हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं चलाने वाली हूं स्प्लेंडर प्लस बाइक और सीखने वाली हूं। इसके पहले मैं स्कूटी और सुजुकी बाइक आज सुजुकी चलाती थी बहुत पहले। उसके बाद थोड़ी मैं चलाई तो पल्सर भी हूँ एक दो बार, बट अभी 10 सालों से लगभग मैंने कोई गाड़ी नहीं चलाया है। थोड़ी बहुत स्कूटी कभी कभार चला लेती हूँ, मतलब आदत में नहीं है कि डेली चलाती हूँ। इसलिए आज मैं चलाने वाली हूँ स्प्लेंडर प्लस। तो मैंने सोचा चलो आज मैं यहाँ पर एक ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। और सिखाने के लिए मेरा भतीजा यश मेरे साथ में है। मुझे नहीं पता है कि बनेगा कि मैं गिरूँगी या बन जाएगा, बट जो भी है मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए क्लच नहीं दबाइए, ब्रेक दबाइए रहेगी। कहाँ की ब्रेक है? वो आगे का ब्रेक है, उसको ऐसे ही इसको नहीं दबाना, इसको दबा रखना है ना, इसको अभी उसको दबाए रखना है। अब स्टैंड हटाइए। अब वो पीछे का ब्रेक है, ये आगे का ब्रेक, ये वाला पीछे का ब्रेक है। हाँ। मतलब चलते हुए गाड़ी को रोकना इससे है। हाँ। उससे ज्यादातर रुकेंगे फिसल जाएंगे। अच्छा, नहीं रोकना है? उसको आगे वाले से थोड़ा सा यूज करना है, मतलब उसी रोकना इसी से है। इससे गाड़ी रोकेंगी तो फिसल जाएंगे, उससे गाड़ी रोकना है पीछे वाले से। ठीक है, पीछे वाले से कि आगे से? पीछे वाले से, वो पीछे का है। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। ये सेल्फ है और ये एक्सीलेटर है। ठीक है, ये क्लच है। इसका क्या करना है? इसको दबा के गियर चेंज करना है। अच्छा, हाँ, इसको दबा के आप चलाएं ना आगे पीछे। हाँ, चलाई तो हूँ। हाँ। बट भूल गया है। बस हो गई। सबसे पहला काम आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला काम आपको घबराना नहीं है। ये है ना वो? हाँ, ये गियर है। ये सारे गियर पीछे को लगते हैं, पहले एक फिर दो। अभी कौन सा लगा के आगे बढ़ाना है? एक लगा के आगे बढ़ाना है, फिर जैसे कुछ दूर तक जाके मतलब गाड़ी की आवाज सुन। पहले आगे वाला, पहले मतलब इसको ऐसे कर दूं? अभी कर दूं? अभी नहीं, लाइट से कुछ पता चलेगा? ये न्यूट्रल है, अभी एन पे जब लाइट जल रही है तो मतलब न्यूट्रल है अभी। हाँ। ठीक है, गाड़ी ऑन करने के बाद फिर उसको लगाना है। पहले गाड़ी ऑन करिए। ठीक है, क्लच को पूरा दबाइए। ये क्लच है, ये क्लच है, उसको उससे कोई मतलब नहीं, उस पर नहीं ध्यान, उसमें हाथ भी नहीं रखिए। उसको दबाएंगे इसको दबाइए पूरे से। और अब पीछे को गियर दबाइए, पैर नहीं रखिएगा नहीं दोबारा दब जाएगा। धीरे धीरे छोड़ना है, खूब धीरे धीरे छोड़ना है और उसको धीरे धीरे एक्सीलेटर पे लेना है। हाँ। और अगर मुझे रोकना हुआ गाड़ी तो पीछे रोकना, उसको रोकना है, उससे रोकना। अगर आप धीरे हैं, अगर आपका पैर ऊपर नहीं है तो इससे रोक लीजिएगा। नहीं, इससे आपको नहीं रोकना, हटो घबराइए। नहीं नहीं, पैर से ही दबाइए, हल्का हल्का दबाइए। मैंने इतना तो चला लिया फास्ट हुआ। इन लोगों को लग रहा था मैं इतना भी नहीं चलाऊंगी, नाली में चली जाऊंगी, इतना तो मैंने चला लिया। हाँ बस, अब एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, क्लच पूरा छोड़ दीजिए। अब क्लच छोड़ दें? हाँ पूरा। हाँ चलिए, जाने दो, तुम डराते का है। फिर ऐसे सेकंड गियर में चलना है वहाँ साइकिल।
न्यूट्रल लगी क्या? हल्का हल्का एक्सीलेटर लीजिए, हल्का हल्का एक्सीलेटर लीजिएगा। हाँ चलिए चलिए चलिए, आप प्लस दबाइए। हाँ गियर चेंज, हाँ अब बढ़िया ही एक्सीलेटर। बस बस ब्रेक मारिए। हाँ कैसा लगा? थका दिया आप? बहुत अच्छा लगा। और मालूम अभी जब मैं सेकंड बार लेके आई ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं फुल एक्सपीरियंस में चला रही हूँ। फोर्थ गियर लगा दी थी। अच्छा हाँ, दो आटा कटक चल रही थी। अच्छा मतलब मैं अभी जब सेकंड बार उधर से लेके आई, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं फुल एक्सपीरियंस में चला रही हूँ। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था, मैं डर रही हूँ। लगा था चलाते देख के हम तो लग लेवल सब के निकल। जो भी है बहुत अच्छा लगा। बन भी गया, चलो मार्केट नहीं लेके जा सकती, बट इतना है कि हाँ मैं कह सकती हूँ मैं स्प्लेंडर प्लस चला रही हूँ। चलो अभी एक दो राउंड और चलाऊंगी ब्लॉग के लिए, बस शूट कर ले। और गाड़ी सिखाने के लिए भी मैं अब बता सकती हूँ, मतलब इतना तो मैं सीख ली हूँ और कोई भी सीख सकता। चलो चलिए बताइए। चलो थोड़ा तेज करिए, क्लच पूरा छोड़ दीजिए। जल्दी आइए, जल्दी थोड़ा तेज। स्टार्ट क्लच पूरा छोड़ दीजिए। आप गियर बदलिए। हाँ आइए आइए, स्टार्ट। रुको रुको आइए, फिर से हाँ गियर लगा है, आ जाइए। एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा लीजिए। इसको छोड़, पहले नहीं छोड़ना ना, धीरे धीरे। हाँ हाँ गियर लगा है। एक्सीलेटर लीजिए, गियर नहीं चेंज करिए, नहीं अब कुछ नहीं करना है। एक्सीलेटर लीजिए और लीजिए, और बंद हो जाएगी नहीं तो।